नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंजू पांडे। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये देखिए मेरा अपराजिता का दो पौधा है। ये देखिए ये व्हाइट वाला है और ये ब्लू वाला है। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर के फूल खूब बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं। ये देखिए ब्लू अपराजिता जैसे इसका नाम है वैसे इसमें गुण है, यथा नामे तथा गुणे। अपराजिता माने कि जिसको कोई पराजित न कर सके, जो सब पर विजय पा सके। ये एक प्रकार का हर्बल प्लांट है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है। इसको अपराजिता, शंख पुष्पी, गोकर्णी कई तरह नामों से पुकारा जाता है। और ये दो कलर में आती है, एक जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर। आज मेरे ब्लू कलर वाले में बहुत फूल आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फूल आए हैं। और वाइट वाले में तो ये देखिए सब इसकी फलियां बन चुकी हैं। ये देखिए सब फलियां बन चुकी हैं। ये जब मैच्योर हो जाएंगी तो इनको तोड़ के और यही बीज फिर सीजन आने पर लगा दीजिए मिट्टी में, तो तमाम पेड़ तैयार हो जाते हैं। दोस्तों इस पौधे के लिए मैं बहुत आतुर थी और मुझे कहीं पिछली बार मैंने दो बार लगाया, मेरा दोनों बार सूख गया। फिर मुझे कहीं से इसका सीड ही मिल गया और मैं सीड लगाई तो मुझे पता नहीं था कि इसके बाद पौधा जमेगा तो किस कलर के फ्लावर इसमें आएंगे। लेकिन भगवान की इच्छा कि मुझे जो है वाइट और ब्लू दोनों मिल गया। लोग कहते हैं कि ये शंकर पार्वती का सबसे प्रिय फूल है। नीला जो है वो शिव जी को बहुत पसंद है और सफ़ेद जो है वो पार्वती जी को बहुत पसंद है। शिव पूजा में इनका विशेष महत्व होता है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो तो बहुत ही है। और इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और इसकी केयर, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए जिसमें कि पानी ना रुके और ना ये सूखा ही रहे। मिट्टी हमेशा इस तरह से दिखे, मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहे, ना बहुत सूखा रहे और ना बहुत गीला कि पानी भरा ही रहे। और धूप इसको खूब चाहिए, जितना ही धूप लगेगी उतना ही इसमें फूल खिलेंगे। और जो है इसको जहाँ पर दिन की कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो वहाँ इसको रखें। और इसमें अभी तक मैंने रही डिजीज़ की बात तो कोई डिजीज़ देखी नहीं। हाँ जब इसको कभी बहुत पानी कई दिन कम हो जाता है तो हल्की पत्तियाँ इसकी वाइट कलर की होने लगती हैं, लगता है जैसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद। और ज़्यादा हो जाता है तो भी ये अपना रंग बदलने लगती है। और ये अब इसमें जो है अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर तक फ्लावरिंग होगी, उसके बाद ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता। फिर जैसे ही गर्मी आएगी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये देखिए इसमें बहुत फलियां लगी हैं, गिन नहीं सकते। ये देखिए हर डाल में 3-4 हर डाल में फलियां लगी हैं। इसमें फ्लावर लग रहा है जैसे ख़त्म हो गए हैं। और अगर फलियां तोड़ दी जाए तो फिर फ्लावरिंग हो, लेकिन मुझे इसके सीड निकालने हैं इसलिए मैं जो है इसके फल तोड़ूंगी नहीं। देखिए ये और पार्ट इसका कोई ज़रूरी नहीं, बड़ा पार्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे पार्ट ज़्यादा 10-10 इंच के दोनों होंगे। लेकिन इसमें दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस तरह से दोस्तों आपको कहीं भी चाहे पौधा मिले चाहे सीड मिले, आप अपनी फुलवारी में इनको ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों ये आज का वीडियो
इसी अपराजिता पर ही था। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।